उसका ही क्या? दीदी यहाँ पर हाथ में खिला, यहाँ पर आ जाएगा ये। हेलो क्यूटी पाई दीदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया अपनी यात्रा। जो टाइम हो रहा है इवनिंग के 4:50, ये बेस्ट टाइम है क्योंकि मुझे भवन पूरे 8 बजे तक लगना है। और ये है मेन एंट्री जहाँ पर बहुत हैवी चेकिंग होती है। अगर आपके पास कोई लाइटर सिगरेट वगैरह कुछ भी है तो फेंक के आइए, नहीं तो आपको बहुत मोटा फाइन लग सकता है। अब गुटखा खाने का इतना तलब कि लोगों ने अपने जूते में गुटखा छुपा रखा है। भाई ये सिक्योरिटी सारी आर्मी के अंडर है, यहाँ पर एक कील भी नहीं जा सकती। गुटखा तो बहुत दूर की बात है। ये जो मेरे पीछे गंगा बह रही है इसको बोलते हैं बाण गंगा। हनुमान जी को जो प्यास लगी थी तो माता रानी ने अपने बाणों से इस गंगा को उत्पन्न करके हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। अब लोग बोलेंगे ये कहानी तो हमें बहुत सालों से पता है। सच में पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट करके नीचे लिखो जय माता दी। यही पॉइंट है भाई, वो बाण गंगा जहाँ पर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। यहाँ पर कितने लोगों ने स्नान किया है और कब आपने लास्ट स्नान किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी किया भी है या नहीं, बस ऐसे ही निकल गए हो? तीन किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे चरण पादुका, जहां पर माता रानी के रियल पैरों के निशान हैं। अगर आप भी यात्रा कंप्लीट कर रहे हो तो यहां के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है, जैसे आप टॉप पे पहुंचते जाओगे आपका व्यू प्यारा प्यारा होता जाएगा। लेकिन जो सामने वाला मंदिर है ना, हमेशा इसी पॉइंट पर खड़े होकर यही सोचता हूँ कि सामने मंदिर जाया जाए तो कैसे जाए, लेकिन एक दिन ज़रूर जाऊँगा। फाइनली हम भवन तो पहुंच गए। और जब इस पॉइंट से हम भवन को देखते हैं ना, तो वो फीलिंग जो आती है ना बहुत अद्भुत होती है। कभी आपको भी जब फर्स्ट टाइम भवन देखा होगा तो कैसी फीलिंग आई होगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या बोल गया? क्या बोलना? बोलो रे बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, बिल करे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता दी जय माता, मिल कर बोलो जोर से बोलो बोलो रे बोलो जय माता दी, सारे बोलो चढ़ते बोलो। गाइज, यात्रा करने के बाद जब आप भैरव बाबा पे आओगे तो यहाँ पर ना लंगूरों से सावधान रहना, क्योंकि कभी भी और कहीं से भी पीछे से लंगूर आएंगे और आपका प्रसाद छीन के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ये जो लोकल्स दुकानदार है ना, यहाँ से पानी की बोतल आप जब खरीदोगे तो ओवर प्राइस पे ही देंगे, तो प्लीज़ इनसे बिल मांग लेना क्योंकि 15 रुपये की हर जगह वहाँ पर पानी की बोतल मिल जाएगी। भैरव घाटी से नीचे उतरने के बाद आपको कुछ ना कुछ जानवर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टाइम हमें 20 हिरन एक साथ देखने को मिले थे, आज फाइनली 2 हिरन देखने को मिले और कभी कभी टाइगर भी देखने को मिल जाए। दीदी यहाँ पर हाथ में खिला, यहाँ पर आ जाएगा ये। हेलो क्यूटी पाई दीदी, ये डर रखा है। हेलीकॉप्टर से डाल दो, डाल दो। हेलीपैड बना हुआ है ना, Thank you.
अगर आप भी हैं मैकडी लवर तो आपको अतक्वारी पर मैकडी का ये आउटलेट देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्योर वेज मैकडी के सारे बर्गर आपको मिल जाएंगे विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक, प्योर वेज। मेरे को तो यहाँ पे मेरा फेवरेट मील मिल चुका था। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपना कौन सा फेवरेट मील खाना पसंद करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोक भी डाइट कोक। पाँच सौ 29 सीढ़ियाँ आई, सीधे उतारेंगे चरण पादुका डायरेक्ट। सामने जम्मू पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। चलो आओ तो शॉप ही शॉप है सब। वैष्णो देवी पे उर्दू न्यूज़पेपर पे खाना वाना दे रहे हैं, इनसे पूछा कि उर्दू का क्या यूज़ है मुंडन हो तो कह रहे हैं हाँ मुंडन वैसे देखो मुंडन भाई। लो जी हो गई हमारी कंप्लीट यात्रा और हम आ गए नीचे, और नीचे आने के बाद तुरंत एकदम बारिश हो चुकी है। अगर ये ऊपर बारिश हो जाती तो बीच में ही अटकना पड़ता। अब पता नहीं माता रानी कब बुलाएंगी, जब भी बुलाएंगी हम भागे चले आएंगे। तो बोलो श्री वैष्णो देवी माता की जय। यहीं से स्टार्ट की थी और यहीं पे एंड कर दी। बस फर्क इतना है मौसम ने करवट ले ली, बारिश पड़ रही है, खूबसूरत बेहद ही खूबसूरत। हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। अगर आपको यात्रा थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें बिना बिल्कुल मत जी।